मॉर्निंग बच्चों, कल जो है सो हम लोग लेसन 9 में क्वेश्चन आंसर 5 तक हुआ था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर 6 का करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। देखिए 6 नंबर जो है क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पेट्रोलियम का हमारे जमीन के अंदर पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखे हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। किससे हुआ है जी? जो समुद्र में रहने वाले जो जीव थे उन्हीं के वजह से क्या हुआ है, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। ठीक है, जब ये जीव मृत हुए, ठीक है, जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर जम गए। ठीक है, और फिर रेत या मिट्टी के तहों से ढक गए। किसके तह से जी? रेत और मिट्टी के तहों से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में, वायु को अनुपस्थिति में ऊंच ताप एवं दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हो गया। ठीक है, देखिए इसको और डिटेल में समझाते रहे। देखिए हमारे पृथ्वी पर जो है सो हजारों वर्ष पहले जो है सो यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल था। ठीक है, बहुत सारे जीव भी निवास करते थे। ठीक है, समुद्र में बहुत सारे जीव रहते थे, अभी भी है। ये हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे जो है सो अचानक प्राकृतिक जो है सो कुछ घटना हुआ। ठीक है, हमारे पृथ्वी के जो है सो बहुत क्षति हुई, उसमें क्षति के कारण हमारे जितने भी जो है सो जीव जंतु पेड़ पौधे जो है पृथ्वी पर, ये सारे क्या हो गए जी? सारे जो है सो नीचे धस गए, नीचे दब गए जमीन के अंदर। ठीक है जी, और जमीन के अंदर जितने भी जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु या पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हो गए जी? जमीन के अंदर नीचे तल में चले गए। उसके बाद जो है सो क्या हुए जी? कई वर्षों तक जो है सो उसमें दबे रहने के कारण, देखिए क्या हुआ जी? ऊंच ताप वायु के अनुपस्थिति, नीचे अगर दब जाइएगा तो जो है सो क्या उसमें वायु मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में क्या हुआ जी? ताप और दाब दोनों अधिक हो गया, और ताप और दाब दोनों अधिक होने के कारण जितने जो पेड़ पौधे थे ये किसमें जो बदल गए जी? ये कोयले के रूप में बदल गए। ठीक है, और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी समुद्री जीव जंतु और भी बहुत सारे पृथ्वी पर का जो भी जीव जंतु हैं, ये जो है सो समुद्र के अंदर जो है सो दब गए। ये क्या हो गए जी? जितने जीव जंतु थे ये जो है सो पेट्रोल में परिवर्तन हो गए, और पेट्रोल एवं गैस में। हालांकि जितने जो है सो पेड़ पौधे थे ये सब जो है सो कोयला में परिवर्तन हो गए। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए इसको और जान लिए। इसके बाद जो है सो 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो ये बच्चों, इसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसमें 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कोयला के विभिन्न उत्पाद के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें लिखिएगा
कोयला के विभिन्न उत्पाद है। कौन कौन से है जी? पहला जो है वो दूसरा कोलता, दो रूप है कौन, एक हो गया कोक हो गया, दूसरा हो गया कोलतार हो गया। इसी में हम लिखेंगे कि कोक का उपयोग इस पात तथा अन्य धातुओं के निष्कर्षण में होता है। किसका जी? कोक का। उसके बाद हम लोग कोलतार, कोलतार का जो है जानेंगे, तो दूसरा इसमें लिखेगा कोलतार का उपयोग जो होता है पक्की सड़क बनाने में किया जाता है। कोलतार को क्या बोलते हैं जी? जो अलकतरा जो काला काला टाइप में होता है उसी को क्या बोलते हैं जी? कोलतार बोलते हैं। तो जो सड़क बनता है, बीच वगैरह बनता है, उसी में क्या किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है। और कोलतार का उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे औषधि संश्लेषित रंग, औषधि का मतलब संश्लेषित रंग, ठीक है। तो ये सेवन मतलब क्वेश्चन आंसर हो गया, और एट का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए